हेलो अल्लाह बरकातहू। आजकल हम इशू करते हैं इन सब चीजों के साथ। अच्छा, आज ये दोनों चीजें जो है नल और जो सेट है, तो इसमें मैं अपने आपको चैलेंज देता हूँ कि मुझे पूरे कंप्लीट करने और बिल्कुल सक्सेसफुल करने, मतलब सारी चीजें काम में। जैसे नल है तो नल में पानी आना चाहिए सही से, और सही से लगना चाहिए वो, और जैसे वो पाइप है तो वो भी मैंने सही से ही लगाना है। तो ये अपना चैलेंज आज का, आज के इस व्लॉग में हमारा, मुझे अपने कोई चैलेंज है। तो जो है अब हम अपना चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं, और जो है सब्सक्राइब करना भी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे हैं माशाल्लाह व्यूज भी आ रहे हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करें आप लोग तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब चलते हैं अपनी चैलेंज की तरफ, क्योंकि ये जो है नल है जो कि हमारे बेसर में लगेगा, क्योंकि वहाँ का नल जो है थोड़ा ख़राब हो चुका है। और ये जो है किचन में लगेंगे, पाइप है ना जिसमें आप कपड़े वपड़े लटकाते हैं। तो ये दोनों अभी हम खरीद के लाए, थोड़ी देर पहले अभी हम सौदा लेने गए हुए थे, जिससे मैंने आपको पता है जो मैं नॉर्मल व्लॉग बनाता हूँ सौदा लेने जाते हैं, तो वहीं सिगी फ्रेश गए थे। सिगी फ्रेश थे कौन सा था पता नहीं, बुला रहा। तो खैर ये दोनों चीज़ें भी लगानी है हमारे को। और जो है आज के लोग हमें इशू करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन आपसे जो बड़ा मेहमान नहायत रहे हम फसल काम करने वाला है। तो चलते हैं अभी अपनी जो है जहाँ में लगाना है चीज़ें ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है हमें कहाँ लगाना है। ये नल जो है मेरे पास, तो ये जो है हमें लगाना है नल पे ले, क्योंकि ये नल भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। और ये देखें, इसको मैं हिलाऊंगा ना भी हिलेगा, ये देखें ये पूरा मतलब ऐसे हो जाता है। तो ये हम अच्छा वाला नल लाए, थोड़ा वीआईपी टाइप। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगता है और जो है क्या करना है। और इसके बाद इसको तो सीधा साले को बम से उड़ा दूंगा ये एक बार हाथ में आ जाए तो। इसके लिए लिया ये पाइप है, और जो है ये पाइप कहाँ लगेगा जा पूछ के। जो मैंने लिया है तो ये किस चीज के लिए आपको बताता हूँ। नॉर्मल यहाँ लगा हुआ था ना, ये देखें, तो इसका ये एक चीज, ये जो है ना ये हुक, तो ये टूट गया था। तो हमें ये दोनों फिर हम खरीद के लाए इनकी जोड़ी। तो ये कपड़े वगैरह जो होते हैं किचन में, बर्तन वगैरह ये उठाने के लिए, भगोने वगैरह, तो उसके लिए पाइप ये वाला यहाँ लगेगा। तो बस अभी यही हमें लगाना है। तो ये भी निकाल देंगे हम, और ये भी सही से निकाल देंगे, उसके बाद फिर हम लगाएंगे दोनों ना। तो पहले ये निकालते हैं, उसके बाद फिर ये लगाते हैं। तो मैं हमारा टूल बॉक्स जो है आप लोग को दिखाता हूँ किस हालत में। हमने जो है टूल बॉक्स डस्टबिन के अंदर बुलाया है। टूल बॉक्स है भाई, मतलब ये डस्टबिन भी वीआईपी वाला है, ऐसे बेकार वाला नहीं है। तो इसी में हमारे सारे सामान होते हैं। तो अभी हमें लेना है तीन मुंह वाला पेचकस का, तो जैसे कि ये तीन मुंह वाला है ना, हाँ, तो ये हमें लेना है। और एक छोटा वाला भी है, ये अच्छा है, मतलब दिखाता हूँ आपको, ये देखें, इसको यूँ दबा के ये नीचे गिर गया। दोनों साइड है, ये एक मुंह वाला भी है और तीन मुंह वाले भी है, तो जो है ये हम दोनों एडजस्ट करके लगा सकते हैं ना। तो जैसे कि मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लगा दिया, मैं इसको दबाऊंगा ना तो ये खुद ही नीचे चले जाएगा, फिक्स हो गया। तो हम इसको, इसकी लंबाई और जो है जितना हमें रखना है वैसा रख सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो बस इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ये लंबा होगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो टूल बॉक्स को अपनी जगह पे मैंने तीन मुआ ले लिया, और इसको हम निकालते हैं। लेकिन ये हाँ, तो ऐसे ही दोनों निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा, फिर कहाँ का पता नहीं, एक नट निकल चुका है। तो ये दूसरा भी फाइनली निकल ही चुका है, इसके अंदर ये भी लगे हैं तो अच्छा है। ये देख, बस ये बाकी रही है, ये भी फाइनली निकल गया, दोनों के अंदर ये लगे हैं, तो ये इससे मजबूती आती है ना। ये यहाँ पे कुछ ऐसे लगने वाले हैं, यहाँ पे भी, ये भी, और यहाँ पे भी आ गए हमारे। और ये कुछ अलग हैं, ये देखें, ये मतलब एक ये मोटे वाले हैं थोड़े, और जो है अच्छे चमक ना, शाइन है। और दूसरे वाला जो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो लोहे के हैं, और ये जो है ये स्टील है। तो इन दोनों में फ़र्क है, ये जो है लोहे का है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके बनिस्बत। ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, ये वाला आते हैं। ये जो हमें ले लिया है, और इसके दो नट भी मैंने ले लिए, तो यहाँ पे इन्हीं के अंदर लगा देंगे ताकि जो मजबूती इनकी रहे, क्योंकि अगर मैं ये निकाल के लगाऊंगा तो सुराख बड़ा हो जाएगा। राइट हैंड का है और लेफ्ट हैंड वाला बाद में लगाएंगे। की स्टील पाइप की बात ही लगाने की, तो देखते हैं फिट आता ही नहीं आता, क्योंकि दोनों तो लगा दिए मैंने, दिखाता हूँ आपको भी। ये पाइप लगा के चेक कर देंगे इसमें फिट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, इसमें फिट ही आ रहा है, तो इसी के लिए, क्योंकि जो है हम कंफ्यूज थे वहाँ पे कि इसमें फिट आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि हम ये जो है छोटा वाला है, ये अगर आप देखें तो ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जो इसकी आगे की चौड़ाई बढ़ी है सिर्फ, अंदर जो है जो साइज़ है ना वो इसी साइज़ का है। ये देखें, ये भी लग गया माशाल्लाह बिल्कुल सही, और ये वाला भी लग गया। और अब हम इसको लगाते हैं, ये तो आइए, ये आगे हो रहा है, तो इसको थोड़ा पीछे करके हमें, बस ये टूट ना जाए, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना, स्टील है प्लास्टिक की आपकी। तो फाइनली ये भी हो गया हमारा काम, अब हम चलते हैं नल की तरफ।
अपना नल लगाते हैं ये वाला यहाँ पे ना, तो इसको पहले हमें निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो है फिर हम ये लगाएंगे। ये आपको खोल के दिखाता हूँ, ये अच्छा है, मतलब अच्छा इसके ऊपर का पार्ट भी अच्छा है और जो है प्लास्टिक भी जो है अच्छा वाला है। तो अभी खोलता हूँ, इन्होंने जो है ऐसा पैकेट दिया हुआ है जिसको फाड़ना ही पड़ेगा। ये तो ये है भाई नल, ये जो है इसका जो लोगो ऊपर का ये PS4 वाला लोगो लग रहा है लेकिन है नहीं, तो अच्छा है। इसकी प्लास्टिक भी जो है अच्छी है और जो है ये भी अच्छा वाला है। ये मेरे खाली कांच का है, स्टील अच्छा वाला स्टील है, और स्टील बोल रहा हूँ अच्छा वाला प्लास्टिक है। तो अभी हम ये इसको लगाते हैं, ये देख लेते हैं नल है। अभी हम डायरेक्ट इसको ही लगाते हैं वापस इसमें, तो ये इसमें आ भी रहा आसानी से और ये अच्छा ना देखें, वाइट वाइट एंड ब्लैक। अभी ये तो ऐसा तो भाई ये हम लगा तो रहे हैं, लेकिन जब भी देखिएगा मैं घुमा के जब पैर जा रहा तो इसका मुंह देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये बार बार ऐसी हो रहा है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ खोलूँगा तो ये तो सारा पानी आ जाएगा, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी जुगाड़ करके देखते हैं क्या पता हो जाए, तो होता है तो फिर आपको आता हूँ। अब मैं इस पे जो है धागा बांध के ट्राई करता हूँ, इसके यहाँ पे जो है ना धागा बंधेगा पूरा ना, तो धागा बांध के फिर ट्राई करते हैं, फिर जो है शायद हो जाएगा। तो अभी मम्मा धागा ला रहे, तो उसके बाद फिर हम बांध के फिर जो है लगा के आप लोग को दिखाते हैं चला के बकायदा। धागा मैंने भी काफ़ी तक बांध दिया है, तो धागा यहाँ पे बांधते सिर्फ, यहाँ ऊपर नहीं बांधते। तो इसकी जो चूड़ियाँ होती है ना, चूड़ियाँ जो भी बोलना है, तो इसके ऊपर बांधते हैं ताकि जो ये फिक्स हो जाए ना। तो अभी मैं बांध रहा हूँ, तकरीबन हो ही गया, उसके बाद फिर लगा दूँ। तो यहाँ का जो है हमें खोलने के लिए, ये अगर हम खोलेंगे ना तो डायरेक्ट पानी का प्रेशर हमारे ऊपर ही आएगा, तो हमें इसको पहले मेन जो वॉल है ना वो बंद करना पड़ेगा, ताकि हम ये खोल भी दें तो पानी ना आए यहाँ से ना। तो मेन वॉल जो है हमारा वॉशिंग के अंदर है, तो वहाँ से हम बंद करके आते हैं। हम आ तो गए, लेकिन मेन वॉल का मुझे नहीं पता कौन सा वाला है। मैं यहाँ पे दो है, मैं आपको दिखाता हूँ वॉल। तो अब मैं इसमें से कोई एक बंद करके फिर जो है ये वाला नल खोल के देखता हूँ कि जो है इसमें पानी आ भी रहा कि नहीं आ रहा। ये है अभी तो टाइट, इनको सही से करना। यहाँ से ही पानी आ रहा है, ये वाला बना के देखते हो तो रहा है। मुझे डर लगता है खोल तो है ना, ढील हो गया यहीं मेरे मुंह पे आ जाएंगे। तो ये तो हमने कर दिया है, अब देखते हैं वहाँ से बंद हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी भी पानी आ रहा है, तो मतलब वॉल अभी सही से बंद नहीं हुआ है। तो अभी दोबारा करते हैं, जो हमने अभी वॉल बंद किया है तो वो वाला नहीं, हमने गलत वॉल बंद कर दिया है, तो इसको हम दोबारा ट्राई कर लेंगे और नीचे वाला वॉल देखते हैं बंद करके ना। यहाँ से अभी भी आ रहे हैं, ये दोनों वॉल मैंने बंद कर दिए, तो दोनों कर रहे थे, मैं एक ही कर रहा था बार बार ना। तो अभी दिखाता हूँ आपको कि जो है क्या सूरत हाल है। जो है ना घुमा घुमा के खुल जाएगा ऐसी, तो हम इसको ट्राई करते हैं ऐसे खुल जाएगा, पानी ना आए फिर से देखते हैं क्या होता है। तो ये फाइनली खुलने वाला है, बस ये है ना पानी ना आ जाए बिल्कुल। हाँ देखना कितना गंदा पानी निकला, तो इसको जो है हमें कैसा करना है, पहले यहाँ पे कुछ लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर है नहीं। तो अब हम इसको लगा के ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने धागा भी बांध दिया, लेकिन ये धागा फिर लूज हो गया। तो अब इसको दोबारा लगा के देखते हैं, बिस्मिल्लाह। अब शायद काम हो जाए, हाँ अभी फिक्स आई है। तो ये धागे लगाने की मतलब हर नल में, अगर आप कि घर में ऐसा नहीं हो रहा तो आप उसमें ज़रूर धागा लगाएं, फिर उसके बाद घुमाएं। क्या पता धागा लगा के करते हो, मैं ऐसे ही कर रहा था। सीधा तो ये भी फाइनली कंप्लीट हो गया है, ये भी डन हो गया है। आज के दोनों जो है मेरे चैलेंज थे, तो ये लगा रहा था क्योंकि ये काम जो है मैं करता नहीं नॉर्मली, तो मैंने कहा करना शुरू करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसे होता था, कि आप लोग को भी नॉलेज हो जाए। तो ये भी हो गया, हसन का भी हो गया, इसको खोल के देखते हैं कि सक्सेसफुल हुआ भी कि नहीं हुआ। तो अब जो है मैं दोनों वॉलों को खोल देता हूँ, ये दोनों वॉल खोलने के बाद फिर देखते हैं उसमें पानी आ भी है कि नहीं आ। हो गया, अब मैंने वॉल भी खोल दिया, अब मैं नल खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रहा है। नॉर्मल पहले वाले उसमें इतना ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा था, मैं आपको सही से दिखाता हूँ। भाई ये हो चुका है, हमने नल की जो है सारे डिज़ाइन की रेड लगा दी है, ये जो है हमारा देसी जुगाड़ है। अच्छे खासे नल होते हैं, लेकिन हम ये लगा के उसकी लोगी ख़राब कर देते, लेकिन इससे ये होता है पानी उड़ता नहीं है ना। तो ये हमने कंप्लीट हो चुका अभी हमारा, कुछ अभी बाजार से ये केले का केक है, केले से बनाए ये जो है, ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट, दोनों सेम ही है। तो ये हम साजिम को दिखाते हैं, साहब गेम खेल रहे हैं, इधर देखा भाई, सलाम दुआ कर लो, ब्लॉगिंग चल रही है भाई, क्या हाल है भाई, कैसे हैं, तुम्हारा ब्लॉग कैसे चल रहा है?
सही चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं। तो ये भाई हम लाए तुम्हारे लिए, यहाँ ना तुम्हारे लिए लाए। एक और भी है, अभी इसका गेम चल रहा है, ये देख नहीं पा रहा यहाँ पे, ये देखें फ्री फायर खेलता है। और जो है ये किसके रखे हैं पैसे इतने सारे, तुम्हारे हैं। तो इसको क्या लाना है अभी, क्या लाना है, क्या यूट्यूब की इनकम करा सेंगे, दिखाओ तो आता है ये यूट्यूब की इनकम है, ला पकड़ो यूँ करो, हाँ हंसो जरा सही से हंसो, ये यूट्यूब की इसकी इनकम नहीं ऐसी बोल रहा है। इसको जो है क्या लाना है बताओ तो, आटा आटा और दो आटा एक चावल, दो आटा एक चावल लाना। तो ये अपना काम कर रहे हैं जब तक हम इसको रखेंगे इतना। फाइनली आपके भाई ने पूरा कंप्लीट कर दिया चैलेंज, जो कि दो थे जिसमें एक वैसे काम आसान ही थे, लेकिन जो है मेरा था कि मैं अपना चैलेंज दूँ, चैलेंज देने के बाद दोनों जो है कंप्लीट करने थे मुझे, तो वो भी हो गया, नल भी हो गया, वैसे आसान ही काम है। तो आप लोग भी घर में ऐसा काम करता रहा करें, ताकि जो है करते रहा करें, ताकि आप लोग को भी जो है पता चले ये कैसे काम होता है और जो है नॉलेज मिलती है। वैसे आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो इसमें आगे भी ऐसी करते रहूँगा, ऐसी चीज़ें लाते रहूँगा, ताकि आप लोग को भी नॉलेज मिले और मुझे भी सही जो है काम करने का तरीका पता चलता रहे, ताकि हमें फिर बाहर से किसी को बुलवाना ना पड़े, हम अपना खुद ही काम कर सके घर में। इसका भी ब्लॉग यही था, छोटा सा ब्लॉग था। तो जो है हो आपने इन्जॉय किया, बहुत सारी मालूम आपको जानने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं ज़रूर, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे दबा के फिर जाइएगा जहाँ जाना, सही ना भाई, ओके।